रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, रविंद्र जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। कोई एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं रखा गया है, कोई एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पे पेसर नहीं रखा गया है। आपके लिए पेसर्स में है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या। ये पांच आपकी पेस करा सकते हैं। मीडियम पेस में हो गए हार्दिक पांड्या एंड शार्दुल ठाकुर, बाकी तीन आउट एंड आउट पेसर्स हो गए मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या, शार्दुल आपके ऑलराउंडर कैटेगरी में हो गए। शार्दुल ने अभी तक एशिया कप में दोनों मैच खेले हैं, पाकिस्तान वाले मैच में भी थे और नेपाल वाले मैच में भी थे। कुटाई नेपाल वाले मैच में हुई है, हार्दिक की इतनी नहीं हुई, लेकिन सिराज की बहुत कुटाई हुई नेपाल वाले मैच में। ये आपने चलो एक ही मैच हुआ है। अच्छा, कुलदीप यादव ले देके आपके एक आउट एंड आउट स्पिनर है। हालांकि जडेजा ने बहुत बढ़िया किया नेपाल वाले मैच में, लेकिन जडेजा को देखना पड़ेगा। जडेजा के साथ कुलदीप यादव और फिर स्पिनर की दूसरी ऑप्शन रहती है अक्षर पटेल। तिलक वर्मा क्योंकि बाहर है, तिलक वर्मा से आपको स्पिन मिल सकती थी, लेकिन वो आपने पता नहीं फिर क्यों, मैं बार बार यही सवाल पूछ रहा हूँ, उसको डाला क्यों था एशिया कप स्क्वाड में, क्या हासिल कर लिया आपने? कीपर के तौर पे आपके पास दो ही कीपर है भैया, सीधी बात यही है। आप डिपेंडेंट है ईशान किशन पे, केएल राहुल पे। केएल राहुल की फिटनेस देखने वाली बात है कितनी रहती है, कितनी आगे तक चलती है, और ईशान किशन को देखना पड़ेगा आपको कि ईशान किशन किस तरीके से वहां पर परफॉर्म करते हैं या उनको फर्स्ट चॉइस मिलते हैं। आ जाइए वापस तो